What does the graph say? Good morning, friends. Welcome once again to Nifty Analysis from TradingFab.in. आज 19 फरवरी 2020 वेनसडे है, सुबह के 8:16 हो रहे हैं। तीसरा ट्रेडिंग सेशन है इस वीक का, काफ़ी छोटा वीक है ये। कल वीकली एक्सपायरी है और कल वीक का लास्ट डे भी है, तो आज निफ्टी में क्या इंट्राडे लेवल्स हो सकती है उसको आइडेंटिफाई करेंगे। तो उससे पहले कल के एनालिसिस का एक वीकली रिव्यू करते। हम हर रोज सुबह निफ्टी का एनालिसिस करते और इंट्राडे लेवल्स को फाइंड आउट करने की कोशिश करते, तो ये वीडियो हर सुबह अराउंड 8:30 के आसपास यूट्यूब के ऊपर पब्लिश होता है। तो अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया है तो बाजू में जो बेल आइकॉन है उसे भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जैसे ही ये वीडियो अपलोड होता है तो आपके मोबाइल के ऊपर आपके उस वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आ जाएगी। तो ये कल का पिक्चर है, यानी 18 फरवरी आफ्टर मार्केट आज ये पिक्चर लिया हुआ है। कल का वीडियो अगर आपको देखना है तो यहाँ ऊपर आए बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेकडाउन लेवल बना रहा था 12,031। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, ये 10 मिनट का निफ्टी इंडेक्स का चार्ट है। निफ्टी जैसे ही गैप डाउन ओपन हुआ, ऑलमोस्ट हमारे ब्रेकडाउन लेवल के पास ये ओपन हुआ और टूवर्ड साउथ की तरफ इसने मूव किया। तो फर्स्ट तो टारगेट 5 मिनट में ही अचीव हो गया था, और उसके बाद 12,000 के नीचे सस्टेन करने के बाद इसने सेकेंड टारगेट 11,977 इसे भी अचीव कर लिया, और काफ़ी ये टूवर्ड साउथ की तरफ एक स्लो मोशन में ये ट्रेड हो रहा था। और इसने फिर जाके यहाँ बॉटम में ये डबल बॉटम फॉर्मेशन यहाँ पर क्रिएट किया, नेक लाइन का ब्रेकआउट दिया, और उसके बाद में क्लियर यहाँ से लास्ट हाफ एन आवर जो बचा था उसमें यह ज़बरदस्त फिर से कमबैक करने की कोशिश की। और जो फर्स्ट टारगेट था इसी के पास इसने ये यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया, लेकिन ये बाउंस बैक है, ये हमें दिखा रहा है कि निफ्टी में फिर से एक बार बुल्स की स्ट्रेंथ यहाँ से बढ़ सकती है। तो ये कल का प्लान था, इसके अकॉर्डिंग अगर ट्रेड करते तो अराउंड 15 पॉइंट्स का ट्रेड करने का मौका था। 10 लॉट्स के हिसाब से अगर ट्रेड करते तो अराउंड 11,250 का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता था। तो ये था कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू। ग्लोबल मार्केट्स के हालात देख लेते हैं। कल अमेरिकी बाजार देखे तो डाउ जोन्स और नासडैक में शुरू में तो काफ़ी गिरावट देखने को मिली, हालांकि जैसे कि कल इंडियन मार्केट्स ने बिहेव किया उसी की तरह यूएस मार्केट ने भी लास्ट कुछ आवर्स में फिर से रिकवर होते हुए हरे निशान में बंद हुए। यूरोपियन मार्केट्स देखे तो कल काफ़ी गिरावट के साथ बंद हुए, और एशियाई बाजार आज ओपन होने के बाद एसजीएक्स निफ्टी 62 पॉइंट की बढ़त दिखा रहा है, और जापानीज इंडेक्स भी 165 पॉइंट के बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है। चाइना मार्केट भी इस समय हरे निशान में ट्रेड कर रहा है। डाउ फ्यूचर को देखें तो 73 पॉइंट की बढ़त इस समय दिखा रहा है। तो अभी फिलहाल एशियाई बाजार एक रिकवरी फेज में दिखाई दे रहे हैं, बाउंस बैक की कोशिश कर रहे हैं। चलते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर, वीकली चार्ट से शुरू करेंगे। यह है निफ्टी का वीकली चार्ट। जैसे कि हमने यहाँ पर फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल को ड्रॉ किया था, क्योंकि आने वाले लेवल्स को हम प्रोजेक्ट कर सके। तो अभी यहाँ पर यह दो वीक यहाँ पर यह बाउंस बैक देखने के बाद एक अभी एक करेक्शन आ रहा है। तो कल जैसे कि हमने यहाँ पर 20 EMA को एज अ सपोर्ट लेवल आइडेंटिफाई किया था, कल एग्जैक्ट 11,900 के आसपास इसने सपोर्ट टेस्ट किया है। हमने 10 मिनट के चार्ट में देखा स्क्रीनशॉट में, जहाँ पर इसने डबल बॉटम फॉर्मेशन बनाया और फिर एक बाउंस बैक दिखाया। तो यहाँ पर अभी सपोर्ट टेस्ट कर रहा है, 11,900 को अभी ब्रेक करता है इस वीक में, दो ट्रेडिंग सेशंस बाकी है। इस वीक में अगर इसके नीचे क्लोज होता है तो यहाँ से ये जो अभी फॉल आया था बजट के बाद, उसके बाद बाउंस बैक आया है, तो अगर ये फिर से 20 EMA के नीचे चला जाता है तो यहाँ से एक डाउन साइड मूव कंटिन्यू होते हुए दिखाई दे सकता है। लेकिन अब तक जब तक ये 20 EMA के ऊपर ये सस्टेन करता है तो ये स्ट्रक्चर जो है ये अभी तक बुलिश है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर ये सपोर्ट लेके ये अगर स्विंग लो, ये स्विंग हाई को अगर ब्रेक करता है तो यहाँ से फिर से हमें टूवर्ड्स नॉर्थ की तरफ एक मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो अभी फिलहाल सपोर्ट टेस्ट कर रहा है 20 EMA के पास एज पर वीकली चार्ट। डेली चार्ट पर चलते हैं। ये है डेली चार्ट। कल हमने यहाँ पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल को ड्रॉ किया था, अगर फॉल कंटिन्यू रहता है तो कहाँ पर सपोर्ट के लेवल्स आ रहे हैं। तो 50% का ये जो लेवल है 11,930, ये ऑलमोस्ट 100 EMA के पास आ रहा था।
तो आप देख सकते हैं वीकली चार्ट में 20 ईएमए 11,900 के पास आ रहा था। डेली चार्ट में ये जो ग्रे लाइन है 100 ईएमए का, ये भी अराउंड 11,900 के आसपास था, यानी अभी ये 11,930 दिखा रहा है, तो 50% का लेवल भी इसी के पास आ रहा था। तो काफ़ी सारे टूल्स हमें 11,900 के पास ये सपोर्ट दिखा रहे, तो कल इसने एग्जैक्ट यहाँ से बाउंस बैक दिखाया और एक हैमर कैंडलस्टिक यहाँ पर फॉर्म किया है। जब भी डाउन ट्रेंड में हैमर कैंडलस्टिक आता है तो चांसेस होते हैं कि यहाँ से एक अपसाइड मूव, एक रिकवरी हमें देखने को मिले। ऐसा ही होता है ये कहा नहीं जा सकता, ये मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा देखा गया है कि हैमर कैंडलस्टिक डाउन ट्रेंड में आने के बाद एक अपसाइड मूव आता है, लेकिन अभी देखें तो ये मूविंग एवरेजेस के बीच में ट्रैप हो चुका है। तो ऊपर जाते वक्त अभी ये 20 एमए और 50 एमए यहाँ पर हर्डल क्रिएट कर सकते हैं, जो कि अराउंड अभी 12,080 और 50 एमए 12,060 के पास है। तो जब तक ये 12,100 के ऊपर सस्टेन नहीं करता है तो यहाँ से लॉन्ग पोजीशन बनाना काफ़ी रिस्की साबित हो सकता है। लेकिन यहाँ पर जो सिग्नल मिल रहा है ये रिकवरी फेज का है, अपसाइड बाउंस दिखाने का ये सिग्नल है, तो अगर इसे कंटिन्यू इसे दिखाना है अपवर्ड मूवमेंट, तो इसे इन दोनों मूविंग एवरेजेस के ऊपर सस्टेन करना बहुत ज़रूरी है। तो फिलहाल अभी 11,900 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और ऊपर 12,100 के पास रेजिस्टेंस यहाँ पर बना हुआ है। तो ये डेली और वीकली चार्ट का सिनेरियो। चलते हैं 60 मिनट के चार्ट में, आज के लिए क्विकली इंट्राडे लेवल्स को आइडेंटिफाई करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कल ये जो बाउंस बैक मूव आया है, अभी इसके ऊपर अगर चला जाता है तो कल के हाई का यहाँ पर ये रेजिस्टेंस फेस कर सकता है, एक हर्डल यहाँ पर हो सकता है। पास्ट में भी आप देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर इसने ऊपर जाते वक्त कई बार इस लेवल के पास एक रेजिस्टेंस फेस किया है, तो ये लेवल आज के लिए हमारा हो सकता है ब्रेकआउट लेवल। तो इस लेवल के ऊपर यानी 12,029 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजीशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा पिवट पॉइंट का R1 का लेवल जो कि 12,046 है, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। और सेकेंड टारगेट होगा ये ब्लू लाइन जो कि 50 EMA का लाइन है, यानी 12,068 हमारा सेकेंड टारगेट होगा। और अगर टूवर्ड साउथ की तरफ मूव करता है तो यहाँ से ये जो बुलिश कैंडलस्टिक बना है लास्ट हाफ एन आवर का, ये यहाँ पर इसको अगर ब्रेक करता है, आप देख सकते हैं पास्ट में एक यहाँ पर एक छोटा सा एक गैप क्रिएट हुआ था, ये देखिए यहाँ पर, तो इस गैप का ये इनिशियल पॉइंट है। तो यहाँ पर अगर इस लेवल के नीचे ये चला जाता है 11,959 के नीचे, तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर शॉर्ट पोजिशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 11,942, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। और सेकेंड टारगेट होगा S1 का पिवट पॉइंट का लेवल जो कि 11,923 है। तो ये है आज के लिए इंट्राडे लेवल्स निफ्टी के लिए। अगर आपको ये वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर करें, कमेंट करें, आपके दोस्तों के साथ भी इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।